देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का आश्वासन, जहां करते हैं डीएम से बात, लेकिन डीएम ने क्या कुछ कहा कि हमने बना दी टीम, और टीम के लीडर एडीएम ई बरेली ने कर दिया झूठा निस्तारण। यही है उत्तर प्रदेश का सुशासन, जहां मंत्री का नहीं सुनता है डीएम। आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार किसके आधार पर चल रही है, जहां 70 वर्षीय नरेश पाल गुप्ता, खुद भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही, जिसकी लगभग 10 बीघा जमीन हड़प ली गई, वह 126 दिनों से करते हैं अनशन व धरना तथा गायत्री महामंत्र का जाप, कि हो जोगी बाबा के दरबार की साफ सुथरा छवि। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता अपनी सबसे मुलाकात करने के बाद, और क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ से। तत्सर तुरवरे न्यौ भर्गो देव सर ही मही धियो यू नाथ चोदयात। मैं नरेश पाल गुप्ता 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं भाजपा सदस्य जनपद बरेली उत्तर प्रदेश, मेरे व मेरे पुत्रों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541 542 544 मिलजुला 544 बा 559 560 नंबरों से संक्रमणीय भूमि स्थित है। उस भूमि पर वहाँ का भूमाफिया अनिल राणा अपने संगठित विद्रोहों द्वारा पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से बगैर किसी हक व बगैर किसी स्वामित्व के अवैध कब्जा व अवैध बिक्री अवैध निर्माण लगातार करा रहा है। विद्रोह द्वारा हम पर कई बार जानलेवा हमला किए एवं हम पर व हमारे पुत्रों पर कई झूठे एवं फर्जी मुकदमे लिखाकर हम पर गैंगस्टर तक लगा दिए। हमने थाना, तहसील, जनपद, मंडल, शासन स्तर, माननीय अध्यक्ष राजेश प्रसाद महोदय, महामहिम गवर्नर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार तक शिकायती प्रार्थना पर दिए। 22 सितंबर 2020 से मैं परिवार सेठ दामोदर दास पार्क में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा। बैठे हुए 126 दिन हो गए, हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। अतः मैं व मेरा परिवार, माननीय जनप्रतिनिधियों, सम्मानित जनता, स्वच्छ ईमानदार छवि वाले प्रशासन एवं शासन में बैठे अधिकारियों एवं न्याय दिलाने हेतु चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया वाले भाइयों एवं अन्य जनप्रिय न्यायप्रिय समाज सेवी सभी भाइयों से अनुरोध है कि मुझे व मेरे परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करने की कृपा करें। श्री महेश चंद्र गुप्ता जी उनसे हुई तो उन्होंने डीएम साहब से बात की। डीएम साहब ने आश्वासन दिया, डीएम साहब ने पहले भी आश्वासन दिया, लेकिन डीएम साहब को यहाँ जो नीचे वाला स्तर है एसडीएम, एडीएम ई बी के सिंह, ये सब बिल्कुल झूठी रिपोर्ट देते हैं, बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल सफेद झूठ, ये सत्य बताते नहीं। यहाँ तक कि जो एलआईओ विभाग है वहाँ ये कह दिया कि वो जाते ही नहीं है। अब आप बताइए, ये पहले तो वहाँ कोई टीम बना के भेजी नहीं अभी तक आए और झूठ करके कह देते हैं अपने आप जाते नहीं है, तो ये टोटल सफेद झूठ। क्योंकि इन्होंने मीटिंग 7-12 की थी, 7-12 2020 को, उसके बाद इन्होंने 14-12 को निस्तारण दिखा दिया, 21-12 को वहाँ बुलाया, अपने आप एसडीएम साहब नहीं गए और वो इंस्पेक्टर साहब ने साहब जाने से मना कर दिया। हमें इन्होंने धोखा देके प्लाट पे भेज दिया, वहाँ पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश की। इसके बाद और अभी वो रिपोर्ट आई है, राइयो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप जाते ही नहीं है। तो मैंने कहा कैसे क्या, वहाँ तो वो हमला कराते हैं, एसडीएम साहब झूठ बोलते हैं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बताइए ऐसा नहीं हो सकता तो क्या लिखित में ऐसा प्रमाण जो उन्होंने हमें दिया है, जो टीम बनी थी 7-12-2020 को, उस टीम ने किस हस्ताक्षर की तरह से कोई टीम बनाई है? कोई टीम वगैरह नहीं, वैसे ही हमें हमला कराने को, जान से मरवाने को एडीएम ही प्रशासन श्री बीके सिंह एवं एसडीएम भी,
बिल्कुल इस तरह संरक्षित अनिल राणा के संगठित ग्रोह के द्वारा हर तरह से उन्हें संरक्षण दे के अवैध कार्य करा रहे हैं। गायत्री महामंत्र का 1 घंटे यहाँ सेठ दामोदर दास पार्क में जाप करते हैं, जिससे सब लोगों को सद्बुद्धि आए और सभी के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।